Hi, welcome to this new series that we are starting from today. And this is a series on MPD 2041, as it is called. It's Master Plan of Delhi 2041. And 20 years down the line, how Delhi is to be shaped, what kind of land use change patterns, what kind of mobilities, what kind of typologies we are going to do. And this is probably we are talking about the NCR. So this journey actually that we have seen in the process of planning right from 1961 when the first plan was envisioned to 2041. So this is actually we are going to explore today, and then we'll run various other episodes where we'll talk about sectoral issues on different mobility, housing, how 2041 master plan deals with that. और क्योंकि यह पूरे हमारे दिल्ली के अंदर वातावरण और सब सब सवालों को लेकर है, इसलिए आज इससे बेहतर क्या हो सकता है कि प्रोफेसर दुनू रॉय, जो कि दिल्ली में मतलब लोगों के साथ ना सिर्फ योजना बनाने के लिए लेकिन उनके मुद्दों को उठाते हुए और एक जिसको वो कहते हैं ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है शहर के योजना का, और कैसे ये योजना की जो अभी जो जो प्रोसेस है और जो ये जो योजना बनाने का काम है, ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसमें लोगों की को शामिल नहीं किया गया है। तो प्रोफेसर दुनू रॉय, आपका बहुत स्वागत है। यू आर फ्री टू स्पीक आई मीन इन इंग्लिश और हिंदी, विच एवर यू वॉन्ट टू। इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज से शुरू किया। और आप क्या समझते हैं कि ये जो मास्टर प्लान का बनना, प्लान का ही बनना, क्योंकि बहुत सारे आपके जो प्लानर्स और आर्किटेक्ट हैं वो तो प्लान होना ही नहीं चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, और लेकिन अगर योजना बननी है तो क्यों ये ज़रूरी है? और 1961 से जब हम देखते हैं कि योजना बनाई गई, उसमें बहुत सारे हाउसिंग को लेकर, सोशल हाउसिंग को लेकर बातचीत कही गई, लेकिन आज हम TOD की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो ये जो सफ़र है, अगर इस पूरे सफ़रनामा को आप समझाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, और फिर हम बीच में और विषय पर बात कर सकते हैं। शुक्रिया मुझे इस बातचीत में बुलाने के लिए। मास्टर प्लान के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं और लोग इसकी जड़ के बारे में, अब इतने साल हो गए, 60 साल हो गए, इसलिए इसकी जड़ के बारे में भी जानकारी नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि दिल्ली शहर में पहले योजना नहीं, शाहजहांपुर को देखें, जिसको आजकल पुरानी दिल्ली कहते हैं, वो भी किसी ने, योजनाकार ने बनाई होगी, उसमें भी प्लानिंग के अवशेष दिखाई देते हैं। और उस प्लानिंग का की खूबसूरती मैं कहूँ ये है कि शाहजहानाबाद बना था योजनाकारों के दिमाग में 1 लाख लोगों के लिए, आबादी 1 लाख के लिए बनी थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज शाहजहानाबाद में करीब 10 लाख लोग रह रहे हैं, यानी कि 10 गुना, और अभी भी वो शहर जिंदा है। तो इसका मतलब है योजनाकार, शहर चल रहा है, अभी भी चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जब भी बाकी दिल्ली में सोचते हैं कि कहाँ जाएं, तो कहते हैं चलिए पुरानी दिल्ली चलें, वहाँ का खाना खाएंगे, वहाँ पे चूड़ियाँ देखेंगे, वहाँ पे अगर थोक में कुछ खरीदना है तो थोक बाजार में जाएंगे। तो इसलिए शहर में योजना बनाने का इतिहास काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं है कि आज ही से योजना बनी। लेकिन ये जो आधुनिक योजना बनाने की परंपरा शुरू, जो 1962 में शुरू हुई है, उसकी जड़ भी एक डिजास्टर में थी, और ये समझना बहुत जरूरी है। इफ यू आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर कि इन 1947 देयर वाज दिस पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और 48 में, यानी कि जैसे जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो दिल्ली शहर में करीब 5 लाख रेफ्यूजी रातों रात एक तरह से आ गए। उस वक्त दिल्ली की आबादी 11 लाख,
तो आप समझ सकते हैं कि 11 लाख से अचानक 16 लाख आबादी बढ़ जाए तो शहर का क्या हाल हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद एक मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन बनी और मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन ने 5 साल के अंदर वो सारे 5 लाख लोगों को आबाद कर दिया। कुछ तो पुरानी दिल्ली में जो मकाने खाली हो गई थी उनमें रेफ्यूजी लोगों को डाला, लेकिन किसी को असल में प्रॉपर्टी राइट नहीं मिली थी। तो लेकिन अब वो काबिज हो गए, तो दे आर स्टिल देयर, देयर फैमिलीज आर स्टिल देयर और दे हैव बीन सोल्ड, बट बाय एंड लार्ज इज लीव। दूसरा जो इन्होंने किया वो जिसको आज हम रिंग रोड कहते हैं, इनर रिंग, जिसमें मेडिकल भी है, जिसमें उस तरफ यूनिवर्सिटी भी है। कौन से साल की बात हो रही है ये? ये 48 और 55 के बीच की बात, ये मतलब बेसिक फॉर्मल प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, उससे पहले की बातचीत है इससे पहले, ये मास्टर प्लान के पहले की बात है, इसलिए मैं इसका इतिहास बता रहा जी। हूँ। क्योंकि इन्होंने जब आबाद कर दिया, और अगर आप देखें रिंग रोड पे जितने भी नगर नाम से हैं, नौरोजी नगर, लाजपत नगर, रंजीत नगर, मुखर्जी नगर, ये जितने भी नगर हैं, 27 नगर बने थे उन। राजेंद्र नगर भी शायद उसमें से। हाँ, राजेंद्र नगर भी है, जो जितने भी नगर आप सोच सकते हैं जो रिंग रोड पे हैं, वो सारे नगर उस वक्त के बने हुए हैं। और ये सब रेफ्यूजी कॉलोनी, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी को बसाया गया, उनको प्लॉट काट के दिया गया, प्लॉट में बिजली पानी की व्यवस्था हुई, सड़कों की व्यवस्था हुई और हर परिवार को कर्जा दिया गया कि वो अपना मकान। तो बहुत व्यवस्थित ढंग से हुआ था। लेकिन मैं इसको डिजास्टर क्यों कहता हूँ, वो उसकी वजह है इस 27 कॉलोनिया में से सिर्फ 5-6 कॉलोनिया ऐसी हैं जो कि जिसको हम कोही कहते हैं, ये जो पहाड़ी इलाका है दिल्ली का, सदर्न रिज है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ पे कुतुब मीनार है, और फिर सेंट्रल रिज है जो कि राष्ट्रपति भवन के पीछे का है, और फिर नॉर्दर्न रिज है जो कि यूनिवर्सिटी जाते वक्त रास्ते पे पड़ता है। तो ये जो कोही पहाड़ी है, इस पहाड़ी, ये पहाड़ी एक कटोरा सा बनाती है, तो 6-7 कॉलोनियां इस कटोरे के अंदर। और इसका मतलब था उनके यहाँ से जो भी मल निकलता था, गंदगी निकलती थी, वो सीवर होके बारापुला नाले के रास्ते से वो यमुना नदी में जाके मिलती, ठीक ओखला के पास। लेकिन जो बाकी 22 कॉलोनियां हैं वो सारी ब्रिज के उस पार, यानी कि इस कटोरे के बाहर, और इनका ड्रेनेज सारा नजफगढ़ नाले में जाता, और नजफगढ़ नाले से होके ये यमुना में जाके मिलता है वजीराबाद के पास। अब इसको डिजास्टर क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये सारा मल जब इस तरह से बह के यमुना नदी में गया वजीराबाद के पास, उत्तर यमुना के पास, तो ठीक उसके बगल में दिल्ली की वाटर सप्लाई, और इसीलिए वो पानी, गंदा पानी गया यमुना में मिल गया और पंप द्वारा वो वापस दिल्ली शहर में वाटर सप्लाई के रूप में आया, और 1958 में दिल्ली में महामारी हुई, कॉलरा बहुत बुरी तरह से फैली, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये पानी गंदा था, ये पानी के रास्ते आया। अब उस वक्त से चिंता लगी कि शहर को योजना बद्ध तरीके से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पहले से अगर ये समझ पाते, और समझ लेना चाहिए था, इतने बड़े बड़े इंजीनियर थे उस वक्त, कि ये पानी यमुना में जाएगा और यमुना में जाएगा तो पानी में वापस होके आएगा। तो इन्होंने, इंजीनियर की अकल भी बड़ी अच्छी होती है, इन्होंने क्या किया, जहां से पानी निकलता है यमुना में नजफगढ़ नाले से,
और जहां से पानी उठाते हैं यमुना से तो वाटर सप्लाई के लिए, उसके बीच में इन्होंने एक बांध बनाया ताकि दोनों एक दूसरे से साथ मिल न पाए, और यही वजीराबाद का पुल, ये पहला पुल है यमुना के ऊपर, पक्का पक्का बांध कही, और इसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है वो पानी अब दिल्ली को सप्लाई। लेकिन उससे मल दूर तो नहीं होगा, मल तो ज्यों का त्यों उस यमुना नदी में फैलेगा, और अब आपने यमुना को रोक भी दिया है तो इसका मतलब है वो बहने के लिए उसके लिए वो भी नहीं है साफ पानी। तो वो सारा मल 1958 से लेके आज तक यमुना नदी में वो बैठ रहा, आज भी बैठ रहा। तो हम डिजास्टर से ही सीखना चाहते हैं हमेशा। हाँ, तो ये जो तरीका है सोचने का कि एक डिजास्टर हो, उसके बाद आप एक उसका प्लान करें, उसका एक उपाय निकालें, और उस उपाय से एक दूसरा डिजास्टर पैदा हो, फिर उस डिजास्टर के लिए आप फिर प्लान करें, फिर आप उसके लिए एक तरकीब निकालें, और उस तरकीब से एक तीसरा डिजास्टर पैदा हो। तो 62 से लेके आज तक मास्टर प्लान का इतिहास यही रहा। अब मैं 1962 के मास्टर प्लान पे जाता हूँ, जिसका काम था इन सब चीजों के बारे में सोचने का, और उसके आधार पे 20 साल का प्लान बनाने। मास्टर प्लान में सबसे जो महत्वपूर्ण बात, और वो हर प्लान के पीछे है, वो ये है कि आप उस वक्त की रियलिटी, उस वक्त की जो वस्तु स्थिति है, हालात के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और 62 में वास्तु प्लान इसलिए शुरू होता है क्योंकि 61 का की जनगणना, सेंसस, ठीक उसके पहले हुई, तो सेंसस से आपको पता चल गया कि दिल्ली शहर में कितने लोग हैं, क्या है, क्या है, इसलिए आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 62 में इतनी आबादी है। आप कह सकते हैं कि 51 में कितना था, 41 में कितना था, 31 में कितना था, और उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर 61 में इतना रहा होगा तो 81 में कितना होगा, ये सरल गणित है, और उसके आधार पे आप प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई 81 में इतनी आबादी होगी। अब 61 में आपको पता चल जाना चाहिए कि लोग कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कितना मल पैदा होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग कितने बड़े घरों में रहते हैं तो कितनी ज़मीन की ज़रूरत है, तो 81 में कितने ज़मीन की ज़रूरत होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग साइकिल से कितने जाते हैं, बस से कितने जाते हैं, रेल से कितने जाते हैं, गाड़ी से कितने जाते हैं, उसके हिसाब से आप 81 के लिए एक आपका नजरिया बन सकता है, मोबिलिटी प्लान बनेगा। हाँ, उसके आधार पे आप प्लान करें, और इसको कहते हैं प्राइमरी स्टडी। तो जब 61 में डीडीए का निर्माण होता है, 55 में हो गया है, लेकिन 61 में जब डीडीए पहला मास्टर प्लान बनाना शुरू करती है, तब उन्होंने अमेरिका से 10 उस्ताद आए थे हमको बताने के लिए, इन्होंने आपके पीछे का गोल्डन गेट वो ब्रिज बनाया है, उस तरह के 10 उस्ताद आए थे बताने की, और ये फोर्ड फाउंडेशन ने इसका पूरा इंतजाम किया था, और वो आए थे और उन्होंने बताया, और पहली बात उन्होंने सही बात कही कि आपको फील्ड स्टडीज करनी चाहिए, दूसरी बात उन्होंने कहा कि उस फील्ड स्टडी के आधार पर आपको मानक तय करना पड़ेगा। मानक मतलब सड़क पे कितनी जगह साइकिल वालों के लिए होनी चाहिए, कितनी जगह कार के लिए होनी चाहिए, कितनी जगह बस के लिए, क्योंकि ये सारा संख्या के ऊपर, नंबर्स के ऊपर आधार, और उन नंबर्स को आप प्रोजेक्ट करते हैं कि 81 में कितना होगा। उसमें आपकी कुछ चिंताधारा भी आ सकती है कि आज बसों में इतने लोग हैं, हम चाहते हैं कि बसों में ज्यादा लोग हों, तो फिर आप उस हिसाब से
उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और ये प्राइमरी स्टडीज बिना किए आप किसी भी प्लान को बनाए, तो पहले आप प्राइमरी स्टडीज करें, उसके आधार पे आप मानक बनाए। मानक यानी कि नॉर्म, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि एक व्यक्ति की कितनी जरूरत होती है, और उन नॉर्म्स के आधार पे फिर आप 20 साल की योजना। बहुत सरल है, कोई इतने मुश्किल बात नहीं है, इसमें अमेरिका के उस्तादों की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये तो आपकी और हमारी समझ में भी बात आ सकती है। लेकिन उस वक्त का मास्टर प्लान बना था, और सबसे मुझे लगता है अच्छी बात यह है कि उस तरह का मास्टर प्लान एक तरह से एक मिसाल कि आप किस तरह से एक आधुनिक शहर की तरफ बढ़ सकते हैं फील्ड स्टडीज कर। तो वो नेहरूवियन एरा का भी एक छाप बताई जाती है कि जैसे नेहरू खुद, जैसे उन्होंने चंडीगढ़ बनाया तो कबूजियर को बोला कि देखो ये भाई ये गरीब लोग आएंगे, घोष सिटी मत बनने देना, तो इसलिए प्लानिंग में इंश्योर करना कि बहुत कम खर्चा हो लोगों को यहाँ मतलब बसने के लिए, इसलिए घर उस तरह वैसा वैसा कुछ दिखने को मिला यहाँ। आधुनिकीकरण का एक छाप रह जाता है, यानी कि किसको आप आधुनिक समझते हैं, शाहजहानाबाद को भी किसी ने बनाया होगा, उनकी भी एक समझ रही होगी कि शाहजहानाबाद 100 साल बाद क्या हाल होगा उसका, तो इसका मतलब है कुछ तो जानकारी थी। बनारस हमारे ही लोगों ने बनाया था। अगर आप देखें जो पुराने पुराने शहर हैं, इंदौर है, उज्जैन है, विशाखापट्टनम है, वैसे विशाखापट्टनम उसका नाम उस वक्त नहीं था लेकिन बंदरगाह थी उस वक्त, उसका बयान है अल बरूनी के इतिहास में, उसका बयान आता है। तो उस वक्त हम शहर बनाना जानते थे, ऐसा नहीं है कि हम शहर बनाना नहीं जानते, लेकिन आधुनिक शहर कैसे बनाएं वो हम नहीं जानते। तो इसलिए ये आधुनिकता की छाप इन शहरों में है। और अगर मैं आपका एक मिसाल दूं, पुराने शहर में सिर्फ एक सीधी सड़क है और वो है चांदनी चौक, लाल किले से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक, और कोई भी सड़क सीधी नहीं, सारी जो सड़कें हैं वो घूमती फिरती जाती। लेकिन जब पुरानी दिल्ली बनी, ये जब नई दिल्ली बनी, तो नई दिल्ली में उसी पैटर्न से एक लंबी सड़क बनी है राजपथ, यानी कि जो उस समय में राजभवन था वहां से लेके इंडिया गेट तक, और बाकी सारी सड़कें सीधी या गोलाकार है। और गोलाकार उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उसके अंदर एक वर्ग की समझ स्पष्ट कि क्लास 4 अफसर कहाँ रहेगा, क्लास 3 कहाँ रहेगा, क्लास 2 कहाँ रहेगा, क्लास 1 कहाँ, और उसी समझ के मुताबिक नई दिल्ली बनी। जैसे कि वो पुराना शहर उस तरह से नहीं बना था। अगर आप देखें जैसे अंदर गली चली जाती है, समझ लीजिए चांदनी चौक से आप अंदर की तरफ जाएं किसी भी सड़क से, तो कटरे हैं, हर कटरे में हवेलियां होंगी और हर हवेली में कोई नवाब का घर होगा, तो सारे नवाब बिखरे हुए थे, ऐसा नहीं था कि क्लास 5 सिर्फ एक जगह पे थी। तो एक तरह से जिसको हम मिक्स्ड यूज कहते हैं आजकल, वो शाहजहानाबाद में साफ दिखता है, नई दिल्ली में नहीं दिखेगा। खैर 1962 में इन्होंने कुछ फिर 81 तक के लिए 20 साल के लिए कुछ टारगेट्स बनाए कि 81 तक हमें क्या क्या करना हो। जैसे कि 1962 में इन्होंने कहा कि हमको 600,000 और मकान बनाने अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के। अब 600,000 तो वो बना नहीं पाए, उन्होंने बनाए 500,000, लेकिन कम से कम बनाए तो 100,000 उनका बच गया, वो नहीं बना पाए। तो ये, और उसकी वजह उन्होंने ये कहा कि हम थोड़ा छूट गए टारगेट से, जब 81 में इसका रिव्यू हुआ कि थोड़ा छूट गए, लेकिन इसलिए छूट गए क्योंकि आबादी अप्रत्याशित तरीके से बदल गई। वैसे ये सत्य नहीं है, आबादी सिर्फ 8% बढ़ी थी टारगेट से,
तो इसलिए कहना कि ये अप्रत्याशित है और इसलिए शहर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ये सही नहीं है। लेकिन ये एक सोच, एक दिमागी फितूर है। तो इस तरह के दीज काइंड ऑफ माइंड से आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फर्दर डिजास्टर। सो इन 81 व्हेन दे सैट डाउन टू रिव्यू द 1962 प्लान, they found that there were a lot of targets which had not been achieved. मैं आपको एक टारगेट बताऊं, जैसे कि 62 के इसमें इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में कहा था, so housing, housing was one. I mean, you may just housing. Okay, we can focus on housing. I'll take No. Please focus on all. My point is the first one was housing that you said. Yeah. जैसे housing का मैंने आपको बता दिया कि 6 लाख बनाने थे, बनाया उन्होंने 5, तो 1 लाख की कमी हो गई। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री के लिए 11 वर्क सेंटर्स बनाने हैं और 16 इंडस्ट्रियल एरिया बनाने हैं आगे के लिए। उस वक्त सिर्फ 2 थे, एक ओखला में थी और एक शाहदरा में थी, और कोई इंडस्ट्रियल एरिया थी नहीं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा 11 और बनानी। तो इसका मतलब एक सपना है कि दिल्ली को हम इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में देखेंगे। तो 2 ही हैं, हमको 16 और लाइट इंडस्ट्री के एरिया बनाने हैं। 16 वो कभी बना नहीं पाए, बनाए उन्होंने 5, तो इसका मतलब 11 छूट गए। तो इस प्रकार से टारगेट्स अगर देखें, कमर्शियल का इन्होंने कहा था कि एक ही सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वो है कनॉट प्लेस, उस वक्त का कनॉट। तो उन्होंने कहा 2 और बननी चाहिए, 2 और बनी नहीं, आज तक नहीं बनी। लेकिन इन्होंने कहा था कि सब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बननी चाहिए, भले ही एक सेंट्रल बिजनेस कनॉट प्लेस की तरह ना बने, लेकिन उससे छोटे छोटे 5 और बननी चाहिए दिल्ली में अलग अलग जगह, वो भी 5 नहीं बन पाई। तो एक प्रकार से जब 62 में इन्होंने टारगेट्स दी थी, 81 में बैठ के आप रिव्यू कर सकते हैं कि भाई कितनी बनी, कितनी क्यों नहीं बनी, उनको नहीं बनने के क्या कारण थे, और उस कारण के मुताबिक देन यू रीडेवलप योर प्लान एंड यू से एक, बिकॉज आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली, जस्ट केम आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन। आप जो बोलो उन्होंने कहा था, फिर उन्होंने कहा था, तो ये उस्तादों के अलावा भी थे, मतलब आम लोगों से भी कभी राय लेने का कोई बीच में इस तरह का कोई प्रोसेस चलाया था कि देखो भाई लोगों से तो पूछ लें कि भाई अगर 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 17 चाहिए, 17 क्यों, 12 क्यों नहीं, यू नो, मतलब मोबिलिटी चाहिए तो क्या कौन साइकिल वाले, या सिर्फ उस्तादों पर ही सब कुछ निर्भर कर रहा था। अच्छा पॉइंट, असल में DDA के एक्ट में लिखा हुआ था कि पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक से आप सजेशंस लें प्लान नोटिफाई करने के पहले, ड्राफ्ट प्लान पब्लिक को सामने रख के पब्लिक के सामने सजेशन लें, और फिर हर सजेशन के ऊपर आपको पब्लिक हियरिंग देनी, सुन के आपको उसकी बात आपको जवाब देना, रीजन्ड जजमेंट और रीजन्ड ऑर्डर हैज टू बी गिवन। तो उस वक्त 62 में इन्होंने, आपने जो बात कही वो बहुत सही है, कि इन्होंने प्लान को 3 भाषाओं में छापा, अंग्रेजी में तो छापा ही, हिंदी में भी और उर्दू में, और इसको पूरे शहर में बांटा बांटा, मतलब ढिंडोरा पीट के और सड़कों पे जाके ऐलान करके कि भाई ये प्लान है, जिसको प्लान देखना है वो MCD के दफ्तर में आ जाए, प्लान देख ले और उसके ऊपर वो अपनी टिप्पणी दे सकता है, उसकी कॉपी भी ले जा सकता। और उस वक्त पूरे शहर में से करीब 600 आपत्तियां आई थी, कि आप समझ सकते हैं उस वक्त शहर कितना बड़ा रहा हो। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा नंबर है, अगर उस समय बहुत बड़ा नंबर है उस वक्त। 600 लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज की,
उसके ऊपर सुनवाई हुई और उसके ऊपर दोबारा फिर योजना बनाने के बारे में, प्लान बनाने में सोचा गया. लेकिन यू सी द प्रॉब्लम हियर इज दैट पीपल वेर नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग द प्लान. पीपल वेर ओनली इन्वॉल्व इन कॉमेंटिंग ऑन द प्लान. तो जो पढ़ा लिखा है वही उसके ऊपर कमेंट कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो उसके मत से बाहर ही निकल गया. और एक तो ये बात है. दूसरी बात है, इसकी कुछ तकनीकी बातें हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आती. अब ROW किसको कहते हैं, FAR किसको कहते हैं, FSI किसको कहते हैं, ये सब जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलता. तो इसलिए समझाने वाला कोई नहीं था. तो जब तक लोगों को इन्वॉल्व, अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो एक्सपर्ट को चैलेंज करने के लिए यू नीड व्हाट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन, नॉट जस्ट पार्टिसिपेशन. पीपल हैव टू बी इन्फॉर्म. दिस हैज नेवर टेकन. So then in 81, when they sat down to review the plan, this was called MPD 2001, because they are making the plan for 2001. They reviewed the 82 plan and they said, these are the targets that were set. How much have we achieved? And they found that except for housing, where 1 lakh shortage was there, for all the others, industrial, transportation, commercial, not more than 50% had been achieved. By and large, less than 50%. So phir, that was a time for DDR to reach. Ki bhai, humne kya galati? Ya to plan banane mein galati ki. This is in 1982 you're talking about. 81, yeah. When the plan came up for review. Yeah, because I remember the first Urban Commission came in the same decade, I mean 86, 87. Exactly. And which also laid emphasis on, you know, manufacturing and all. Yeah, please go ahead. I mean, we'll just bring that also. Even then there was this emphasis on manufacturing. But if you say you're going to build 16 industrial areas and you build only 5, then you have to think, why couldn't you build the other 11? They didn't think. But you see, there is the organic dynamic of the city. Ab disaster kahan se paida hota? Agar aapne kaha ki 6 lakh ghar banane hain, aapne banaye sirf 5, to 1 lakh parivar gayab to nahi ho jayenge. Wo 1 lakh parivar to abhi bhi hain. हो सकता है 1 लाख से ज्यादा हो, क्योंकि आपने माइग्रेशन को उतना वजन नहीं दिया था. तो इसका मतलब है ज्यादा परिवार होंगे जिनके पास घर नहीं है. तो अगर वो उनके पास घर नहीं है तो भाई लोग ऐसे ही तो बैठे नहीं रहेंगे, वो अपने घर बनाएंगे. एंड दिस इज वेयर द स्लम्स एंड द अनऑथराइज कॉलोनी स्टार्ट. So this is what I call the organic spirit of democracy. That where the state fails, people build. I think that's very interesting, organic spirit of democracy. अगर इसका हिंदी में मिल जाता तो कमाल था. यानी कि लोगों की भागीदारी अपनी मर्जी से. ये कितनी क्रिएटिविटी है कि भाई हम अपने ऐसे कर सकते हैं, हमको सरकार की जरूरत है, हम अपना घर खुद बना लेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री खुद खोल लेंगे, हम अपना दफ्तर दुकान खुद खोल लेंगे. एंड पीपल डिड दैट. जो 50% से 60% शॉर्टफॉल था इन कमर्शियल एरियाज, इन इंडस्ट्रियल एरियाज, पीपल डिड इट वेर एवर दे फाउंड स्पेस. और ये जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है निर्माण का, people's creativity, this was termed in 82 in the 2001 master plan
as being non-conforming. यानी कि ये हमारे आइडिया से कंफर्म नहीं करता, यानी कि प्लानर का आइडिया सही है, लोगों का आइडिया जो है वो गलत, दैट इज नॉन कॉन्फॉर्म एंड इट गोज बैक टू द 62 प्लान बिकॉज इन द 62 प्लान ऑल्सो व्हेन द प्लान वॉज मेड द होल ऑफ शाहजहानाबाद वॉज कलर्ड ग्रे. एंड कलर्ड ग्रे का मतलब होता है ये स्पेशल एरिया है, इसमें हमारी प्लानिंग की आइडिया काम नहीं करती. तो दे डिक्लेयर्ड इट एज अ स्पेशल, या सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट दे आल्सो कॉल्ड इट अ स्पेशल स्लम एरिया ऑल ऑफ शाहजहानाबाद, जो पूरी पुरानी दिल्ली है वो सदर बाजार से लेकर सबको इन्होंने कह दिया कि ये स्पेशल एरिया है. तो उसी तरह से जो 62 के बाद लोगों ने खुद बनाया, इसको भी इन्होंने या तो नॉन कॉन्फॉर्मिंग या अनऑथराइज डिक्लेयर कर. एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1982-2001 प्लान दीज टू वर्ड्स इमर्जिंग कि ये नॉन कॉन्फॉर्मिंग एरिया है, ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इसका क्या किया जाए. सो थैंक यू सो मच गुरु दास एंड एक्चुअली इतना सरलता से समझाने के लिए, क्योंकि ये सरल नहीं है बेसिकली, और वो सरल बनाना भी नहीं चाहते, जो इतना सरल हो सकता है वो नहीं चाहते, इसीलिए वो नहीं चाहते. और आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय भी दिया, और आई विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज.